हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आर चैनल द कंसल्टेंट्स तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूके में पढ़ने के एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट्स हैं क्या क्या आपको फायदे होंगे ऑफ स्टडिंग इन यूके और साथ ही साथ हम एक और इशू को एड्रेस करेंगे कि जो हम कहते हैं कि यूके में पी थोड़ी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज उसको आप एज ए स्टूडेंट कैसे इजी बना सकते हो आप कैसे अपनी पी इन यूके के सिक्योर कर सकते हो सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टूडे वीडियो अब जी अगर हम बात करें बेनिफिट्स की तो द वेरी फर्स्ट बेनिफिट ऑफ स्टडिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लाया करती हैं एंड दे आर अमंगस्ट द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड दे एट अ ग्लोबल लेवल और साथ ही साथ दीज यूनिवर्सिटीज एज अप टू फोर सेंचुरीज ये सेवनटीन हंड्रेड एटीन हंड्रेड में इस्टी गई थी और इस वक्त इनमें अ ऑफ इनमेंटीज आर ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी आपको एक फील्ड में ही कोर्स मिलेगा आपको मेडिसिन हेल्थ साइंस बिजनेस कॉमर्स आपको हर एक फील्ड में आपको यहाँ पे कोर्सेज ऑफर होते हैं तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप किसी भी कोर्स में अपने आपको एनरोल कर सकते हो और साथ ही साथ यूके में 300 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस स्पीक की जाती हैं वहाँ पे तीन सौ से ज्यादा लैंग्वेजेस यूज करते हैं एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सो अगर आपको टेंशन है कि आप वहाँ पे जाके अपनी लोकल लैंग्वेज नहीं बोल पाओगे तो ये आपका मेथ है आप वहाँ पे अपनी लैंग्वेज आराम से यूज कर सकते हो एंड यू विल बी गुड टू गो द सेकेंड बेनिफिट ऑफ चूजिंग यू के इज दैट देर इज डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन अब अगर हम बात करें यूके की पॉपुलेशन की तो जो 14% ऑफ पॉपुलेशन है ऑफ़ यूके वो एक्चुअली यूके के लोकल्स नहीं है वो यूके के नेटिव्स नहीं है वो वो लोग हैं जो किसी और कंट्री या किसी और कॉन्टिनेंट से आके वहाँ पे सेटल हुए हैं लेट इट बी पीपल फ्रॉम एशिया और लेट इट बी पीपल फ्रॉम एनी अदर वेस्टर्न कंट्री जो वहाँ पे के सेटल हुए हैं उसके कारण पॉपुलेशन के एक अंडर एक डाइवर्सिटी आ गई है वहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप की डोमिनेंस नहीं है और इसके साथ एक बहुत ही हेल्दी सी इन्वायरमेंट बन जाती है और अगर आप किसी और फॉरेन कंट्री में जा रहे हो एज ए स्टूडेंट तो वहां पे आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपको वहां पर डिप्रेशन ना हो आप वहां पर होमसिक ना फील करो आप वहां पे आपको ऐसा ना फील हो कि आप घर से दूर हो तो यूके आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल जगह है क्योंकि यहाँ पे आपको अपने कल्चर के आपको अपनी बैकग्राउंड के लोग आराम से मिल जाएंगे एंड यू वॉन्ट फील अवे फ्रॉम होम द नेक्स्ट बेनिफिट दैट मोटिवेट स्टूडेंट्स टू चूज यूके इज सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं या और भी वहाँ के कॉलेजेस हैं वहाँ पे हर एक इंस्टीट्यूशन का एक अपना लोकल ऑफिस है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं या उनको कोई ट्रबल फेस हो रहा है या उनको कोई इशू आ रहा है वो वहाँ पे जाके उसको उनको बता सकते हैं एंड दे विल बी एड्रेस्ड तो हर एक यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटी होती है ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कोई ऐसी ट्रबल ना आए कि उनको ऐसा ना फील हो कि हमारे यहाँ पर कोई हेल्प ही नहीं कर रहा सो देर इज़ अलॉट ऑफ सपोर्ट अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द यू अगला बेनिफिट ऑफ चूजिंग यूके इज़ डेट देर आर ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ग्रेजुएशन अब अगर हम बात करें यूके के जॉब सेक्टर की तो जो वर्दी है उसको वो वैल्यू करते हैं तो अगर आपका एक अच्छा अकेडमिक अच्छा स्कोर अच्छा है और अगर आपकी एक अच्छी प्रोफाइल है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक अच्छी जॉब ना मिले तो अगर आप में वो स्किल्स हैं और अगर आप वर्दी इनफ हो तो आपको ईजिली एक फुल टाइम जॉब मिल जाएगी इन द यूके के टू विद अ ग्रेट पैकेज और अब हम बात करने जा रहे हैं उस मेन पॉइंट की कि यूके में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप पी को कैसे ईजी बना सकते हो कौन सी वो मेन चीज़ है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है टू अटेन पी आर इन यू के टू वेरी इजीली तो अगर आप किसी भी कंट्री में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हो तो आपका प्राइमरी मोटिव सिर्फ स्टडी होना चाहिए और स्टडी ही एक ऐसी चीज़ है डैट विल मेक पी आर वेरी इजी फॉर यू इन द यूके तो अगर आपका एक अकेडमिक स्कोर अच्छा है और अगर आप अपने स्किल्स को एनहैंस कर रहे हो तो आप इजिली पी आर अटेंड कर सकते हो इन यू के और इसके पीछे एक मेन रीज़न ये है कि जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं सबसे पहले वो लोकल्स को प्रेफर करेंगे और अगर उनको लोकल्स में से वो बात नहीं मिल रही उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तभी वो आपको चूज करेंगे तो अगर आप में वो स्किल्स हैं और अगर आपके एक अकेडमिक प्रोफाइल अच्छी है कि आपने अच्छे ग्रेड्स अपने अचीव किए हैं तो आपको ईजिली एक फुल टाइम जॉब मिल जाएगी और फुल टाइम जॉब अचीव करना ही सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू गेट पी आर इन यू के तो अगर आपकी स्टडी अच्छी हुई है तो आपको फुल टाइम जॉब मिलेगी और इसी के साथ स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोसेस ईजी होती जाएगी टू अटेन पी आर इन यू के सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि आपको अपनी स्टडी अच्छी करनी है इन यू के आपको वहाँ पे पहले कुछ साल आपको अपने पैसे कमाने की तरफ तो ध्यान नहीं देने यू ओनली नीड टू प्रेफर स्टडिंग ओवर एनी अदर थिंग तो आपको पी आर ईजीली मिल जाएगी इन द यू के तो गाई इज इट फॉर टुडे वी होप कि आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है देन लाइक इट एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में